हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाता हूँ चैप्टर नंबर 7। और ये चैप्टर हमारा कौन सी बुक से है? फुटप्रिंट्स विदाउट फुट से। और चैप्टर का नाम है नेकलेस। तो देखिए, शुरू करते हैं। मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेसेस बट नो ज्वेलरी। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। व्हाट हैपेंस देन? तो इस स्टोरी में देखिए, नेकलेस, ये नेकलेस हम जानते हैं, जो गले का हार होता है उसको नेकलेस कहते हैं। तो इस स्टोरी में हम समझेंगे कि एक लड़की है जिसका नाम है मैटिल्डा, और उसको एक ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन मिलता है। और वो क्या करती है, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है वहाँ जाने के लिए पार्टी में, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं है। तो वो क्या करती है, सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वो अपनी एक फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है, और उसको खो देती है। यानी पार्टी में जब वो होती है तो पता नहीं कहीं पर उसका नेकलेस खो जाता है। तो व्हाट हैपेंस देन, तब क्या होता है, तो वो देखिए हम स्टोरी में पढ़ते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, पहले पढ़ना है। तो देखिए मैं सुनाता हूँ आपको। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रैटी यंग लेडीज़ बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। यानी सी वॉज वन ऑफ दोज प्रैटी, यानी वो उन प्रैटी लड़कियों में से एक थी। प्रैटी मतलब बहुत ही सुंदर लड़कियों में से, यंग लेडीज़ में से, जो कि कैसे पैदा हुई थी, बॉर्न ऐसे पैदा हुई मानो थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, मानो भाग्य ने कोई मिस्टेक कर दी हो, भाग्य ने कोई गलती कर दी हो। इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क की फैमिली में, यानी जो क्लर्क होते हैं, तो क्लर्क जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जो ज़्यादा हाई स्टेटस वाले, ज़्यादा रिच लोग तो नहीं होते, है ना। क्लर्क की जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली तो जॉब नहीं होती है, उसमें पैसे मिलते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलते। तो मतलब हम कह सकते हैं मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करने वाले परिवार में ये पैदा हुई थी। तो मतलब ये कहने का आया कि वो बहुत ही प्रैटी थी, बहुत सुंदर थी दिखने में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो भाग्य की गलती से, कैसे को मतलब, जैसे कोई सुंदर लड़की है तो उसको जनरली कहाँ पैदा होना चाहिए, किसी अच्छे घर में, ये कहा जा रहा है कि उसे बहुत अच्छे घर में पैदा होना चाहिए जहाँ पर बहुत पैसा हो। मतलब वो दिखने में ऐसी लगती थी, अगर आप उसे देखें तो वो ऐसा लगेगा किसी बहुत ही अमीर घर से है, लेकिन जनरली वो एक क्लर्क की फैमिली से थी। सी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। तो उसकी जो फैमिली थी, यानी उसके जो पिता होंगे, उनके पास ना तो डोरी थी, यानी उसके पास ना तो देने के लिए अपनी बेटी के लिए ज़्यादा दहेज था, है ना, ना ही कोई सी भी तरह की कोई उम्मीद थी, कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे कि वो एक ऐसी लड़की बन जाए जो काफ़ी नोन माने जानी पर पहचानी हो, यानी उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाए, है ना, सब लोग उसे प्यार करें, और वो किसी ऐसे आदमी से मैरी करे, यानी विवाह करे जो या तो रिच हो, यानी अमीर हो, या फिर डिस्टिंग्विश्ड हो, यानी सबसे अलग हो। कहने का मतलब है कि वो कोई बड़ी पर्सनालिटी हो। तो वो ऐसी परिवार में पैदा नहीं हुई थी कि ये सब चीज़ उसको मिल सकें। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ प्रैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और क्या हुआ कि सी अलाउड हरसेल्फ, यानी उसकी जब शादी हुई तो क्या हुआ कि उसको एक बहुत ही पैटी का मतलब होता है, देखो प्रैटी माने सुंदर, और ये है पैटी, PETY, तो पैटी का मतलब होता है तुच्छ, यानी कि छोटे से, यानी एक छोटे से क्लर्क से, जो कि एक ऑफिस में क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा तो उसके डिपार्टमेंट में वो क्या था, एक क्लर्क था। तो उस क्लर्क से उसका क्या हुआ, विवाह हुआ, उसी से उसकी शादी हो पाई, उससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाई कि किसी और रिच पर्सन से वो शादी कर सके, तो केवल एक क्लर्क से उसे शादी करनी पड़ी। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। और शादी के बाद भी वो काफ़ी सिंपल बन कर के रहती थी, वैसे वो बहुत सुंदर थी, और लेकिन वो सिंपल सी बन के रहती थी, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी रहती थी। यानी शादी हो गई थी उसकी, और वो ज़्यादा परेशान नहीं रहती थी कि मेरी शादी किसी रिच आदमी से नहीं हुई, किसी बिग पर्सनैलिटी से नहीं हुई, लेकिन वो दुखी तो रहती थी, ये मन में तो उसकी बात रहती थी, वो उसको दिखाती नहीं थी। सी सफर्ड इनसेसेंटली, और लगातार वो इसी परेशानी से जूझती रहती थी,
परेशान रहती थी, फीलिंग हर्सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। और वो अपने आप को ऐसे फील करती थी कि मानो वो जितनी भी डेलिकेसीज और लग्जरीज हैं, यानी जितनी भी आराम की चीज़ें हैं, डेलिकेसी का मतलब कोमलता, यानी जो कोमल कोमल चीज़ें हैं, जो बहुत ही कीमती और महंगी चीज़ें हों वो उसके पास, तो वो ये सोचती थी कि ये वो इन सभी चीज़ों के लिए बनी है, लेकिन वो उसके पास नहीं है। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी, यानी जिस घर में रहती थी, जो फ्लैट भी कह सकते हैं हम उसे, जिस फ्लैट में रहती थी वो क्या था, बहुत ही मतलब गरीब एरिया में था, कोई ज़्यादा रिच फैमिली, मिडिल, जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग रहते थे वहाँ पर वो उसका अपार्टमेंट था या फ्लैट था, तो वो उससे भी जो है काफ़ी परेशान रहती थी। द सैबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स, जिसकी जो दीवारें थीं वो काफ़ी शैबी थी, यानी भद्दी सी थी, और काफ़ी जो उसकी चेयर्स थी उसमें जो रखी हुई थी वो भी काफ़ी यूज़ की हुई थी। वॉन चेयर्स का मतलब जिनको बहुत पहले से यूज किया जा रहा हो, यानी बहुत पुरानी थी वो, है ना। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और ये जो सारी चीज़ें थी, यानी ये जो सारी स्थिति थी, इससे क्या होती थी, वो काफ़ी टॉर्चर होती थी, यानी इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनके साथ में उसका रहना उनके साथ मजबूरी था, तो वो बहुत दुखी रहती थी, गुस्से में रहती थी, हमेशा उस पर गुस्सा बना रहता था इन सब चीज़ों को लेकर के। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर सिंग। और जब भी वो क्या होता था कि जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ में डिनर के लिए बैठती थी ठीक उसके सामने, यानी छोटी सी एक टेबल होगी जिस पर वो डिनर करते होंगे, तो उसके सामने बैठती थी वो अपने हस्बैंड के, जो क्या करता था, अनकवर्ड द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर, यानी बड़े ही डिलाइटेड एयर का मतलब बड़े खुशनुमा माहौल से, क्योंकि उसका जो पति था वो मिडिल क्लास फैमिली से था, वो एक क्लर्क था, लेकिन वो अपनी पत्नी जैसा नहीं था, उसको अपनी इसी लाइफ से सेटिस्फैक्शन था, तो बड़े वो हमेशा खुश मिजाज में रहता था। तो जब भी वो खाना खाने बैठती थी तो उसका पति क्या करता था, जो उसका खाना रखा होता था उसको वो अनकवर करता था, यानी कि हटाता था उसको जो प्लेट से या किसी चीज़ से ढका होता था, और बड़े खुश होकर के वो कहता था, ओ द गुड पॉट पाई, है ना, पॉट पाई यहाँ पे खाने की एक डिश होती है, तो वो कहता था, अरे कितनी अच्छी पॉट पाई है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और शायद इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं और किसी को नहीं जानता, तो वो इस तरह से कहता, बड़ा खुश नज़र आता। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स। लेकिन जो मैटिल्डा थी, यानी उसकी पत्नी थी, उसका क्या था, वो केवल एलिजेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी, यानी बहुत ही अच्छी श्रेणी के जो डिनर होते हैं, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, यानी जो सिल्वर के बने हुए बर्तनों में, चमकते हुए सिल्वर चांदी के बने हुए बर्तनों में होने वाले डिनर के बारे में सोचती थी। सी थॉट ऑफ द एग्जोटिक फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। और वो क्या सोचती थी, वो एग्जोटिक फूड, यानी बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट, डिलीशियस जो भोजन होते थे, जिनको मार्वलस डिशेस में, बहुत ही शानदार जो प्लेट्स वगैरह होती थी उनमें सर्व किया जाता था, ऐसे भोजन के बारे में सोचती थी कि काश उसको इस तरीके से भोजन करने का मौका मिलता। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास ना तो पहनने के लिए बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक्स थी, और ना ही कोई ज्वेलरी थी, और कुछ भी नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और उसे केवल वही चीज़ें पसंद थी, यानी जो उसके पास नहीं थी वही सारी चीज़ें उसको पसंद आया करती थी। सी हैड अ रिच फ्रेंड। उसकी एक रिच फ्रेंड थी, बहुत ही रिच फ्रेंड थी, और वो क्या थी कि अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, यानी कॉन्वेंट में उसके साथ में वो पढ़ी हुई थी, यानी वो जब छोटी थी, जब वो पढ़ती थी स्कूल में, तो उसके साथ एक फ्रेंड थी, वो उसके साथ पढ़ा करती थी। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको वो अक्सर विजिट करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कारण क्या था कि वो उसकी जो फ्रेंड थी वो शायद रिच होगी। सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न। और जब वो वहाँ से, या वो जब भी वहाँ पर जाती थी, कभी कभी अगर उसको मौका मिलता और वहाँ से वापस लौटती, तो वो काफ़ी दुखी रहती, काफ़ी परेशान सी दिखती। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी वो अपने सारे दिन, हमेशा उसका मतलब पूरा का पूरा दिन, हर दिन निराशा और परेशानी में, डिसअपॉइंटमेंट में
गुजरता, वो कभी भी ये नहीं सोच पाती कि जो कंडीशन मेरी है मैं उसी में ही सेटिस्फाई रहूं। वो हमेशा दूसरे लोगों को देख करके कि उनके पास इतना है और वो खुद इतनी सुंदर है और उसके पास ऐसी स्थिति है ख़राब, तो वो इन्हीं को सोच करके हमेशा निराश रहती थी, परेशान रहती थी। क्या हुआ, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम को क्या हुआ कि उसका जो पति था मिस्टर लॉयसल, है ना, इसको मैटिल्डा लॉयसल कहते हैं, वो मिस्टर लॉयसल, तो जब वो लौटा तो क्या हुआ कि उसके हाथ में, वो काफ़ी इलेटेड था, माने इलेटेड का मतलब हैप्पी, बहुत हैप्पी था, और उसके हाथ में क्या था, एक लार्ज एनवलप था, एक बड़ा सा एनवलप था, है ना। हियर ही सेड, और उसने क्या किया, उसको वो जो एनवलप था वो अपनी पत्नी के सामने जा कर के रख दिया और उसको देते हुए कहा कि ये देखो, हियर इज़ समथिंग फॉर यू, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, है ना, कुछ सरप्राइज सा कहने के लिए बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने क्या किया, क्विकली माने तेज़ी से, उसने सोचा पता नहीं क्या लेके आया है, तो उसने अपने पति से वो कार्ड लिया और बड़ी तेज़ी से उसने क्या किया, उस प्रिंटेड कार्ड को खींच करके उसके हाथ से अपने हाथ में लेकर के उसको ओपन किया, और जब उसने देखा तो उस पर कुछ शब्द इंस्क्राइब थे, यानी लिखे हुए थे, और क्या थे उस पर, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेपनियन आस्क द ओनर ऑफ एम, यानी कि मिस्टर एंड मैम लॉयसल कंपनी, यानी एक कोई पार्टी होने वाली थी, कोई डांस पार्टी होने वाली थी, बॉल डांस पार्टी, और उसका जो हेड था, जो मिस्टर लॉयसल जहाँ वर्क करते थे, तो उसका जो हेड था यानी उसका बॉस जो था, उन्होंने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था और मिस्टर लॉयसल को उसका इनविटेशन मिला था। तो कब का था वो इनविटेशन, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, और जो उसका मिनिस्टर था, मिनिस्टर के ही रेजिडेंस पर, उसके ही घर पर, और मंडे के दिन जनवरी 18 को ये पार्टी थी, तो उस पार्टी में इन दोनों को जाना था। तो काफ़ी खुश था मिस्टर लॉयसल के, मेरी पत्नी को मैं कहीं ले जाता नहीं हूँ, कभी घुमाता नहीं हूँ, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है, और अब वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी में हम जाएंगे तो वहाँ पर उसको कुछ अच्छा लगेगा, तो वो काफ़ी खुश था। तो उसने वो कार्ड उसको दे दिया, इंस्टिंक्ट ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, तो जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी कि इस कार्ड को देख करके, इस इनविटेशन को देख करके वो काफ़ी खुश होगी, हैप्पी हो जाएगी, तो बजाय आनंदित होने के, खुश होने के, सी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। उसने क्या किया, उस इनविटेशन कार्ड को स्पाइटफुली मैंने बड़ी घृणा से, है ना, हेटफुली क्या किया उसने, उसको नीचे फेंक दिया, उस सामने टेबल रखी थी, टेबल पर पटक दिया, और मर्मरिंग मैंने ये बड़बड़ाते हुए कहते हुए क्या कह रही थी, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या सोचते हो मेरा इससे क्या मतलब है, कि ये मेरे लिए किस काम का है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो उसका पति कहता है, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन माई डियर मैंने तो सोचा था कि ये तुम इसको देख करके काफ़ी खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और देखो अब हमें एक मौका मिला है, यानी वो कहता है कि मैं कभी तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, हम लोग कभी बाहर नहीं गए, और इस बार हमको ओकेजन मिला है, एक अवसर मिला है, एंड अ फाइन वन, और ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें एक अच्छी डांस पार्टी में जाना पड़ेगा, यानी जाना होगा, एवरीबडी विशेज वन, और हर कोई इस तरह की एक इच्छा करता है कि उसको कभी एक बहुत अच्छी पार्टी में जाने का मौका मिले, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और इसमें बहुत ही सेलेक्टेड लोग आ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आ रहे हों, ये बहुत ही अच्छी पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी, इसमें कुछ सेलेक्टेड लोग ही आ रहे हैं, नॉट मेरी आर गिविन टू एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, वहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको नहीं दिया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये इन्विटेशन नहीं मिला है, है ना, तुम्हारे ही हस्बैंड को मिला है, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम चलो देखो उस पार्टी में, तुम वहाँ पर मेरे जितना भी ऑफिशियल वर्ल्ड है, यानी जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी मिनिस्टर लोग हैं, तुम्हें वो सब वहाँ पर दिखेंगे। तो क्या हुआ, सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली,
पहले तो उसने अपने पति की ओर बड़े ही इरिटेट होकर के बड़े ही चिड़चिड़े स्वभाव से उसकी ओर देखा और फिर उसने बड़े ही इम्पेशेंसली बड़ी ही अधीरता से मानो उसके अंदर कोई पेशेंस ही नहीं था बड़े गुस्से में उसने आंसर दिया, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग्स एज दैट। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की जो पार्टी होने वाली है, जो बड़ी पार्टी होने वाली है, उसमें मेरे पास पहनने के लिए है ही क्या? मतलब मेरे पास इतनी इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए कम से कम मुझे कपड़े तो अच्छे पहनने होंगे, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं हैं। तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, है ना, उसने मिस्टर लॉयजल ने इसके बारे में नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा कहेगी या ऐसी स्थिति आएगी। ही स्टैमर्ड और वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए बोला, वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर। तो वो कहता है क्यों क्यों तुम्हारे पास ड्रेस है तो सही, तुम वही ड्रेस पहनना जो वी गो टू द थिएटर, यानी जिसको पहन करके हम थिएटर में गए थे, यानी थिएटर में जब हम गए थे तो तुम वो ड्रेस पहन करके गई थी, उसी को पहन लेना। वो ऐसे कहता है, इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, और ये तो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, ये जो तुम्हारी ड्रेस है जो तुम पहन के जाती हो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, और ऐसा कह करके वो साइलेंट हो गया, स्टूपीफाइड और काफ़ी बिल्कुल शांत हो गया, इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और जब उसने देखा कि उसके ऐसा कहते हुए ही उसकी पत्नी रो पड़ी थी, है ना, रोने लगी थी, तो वो काफ़ी परेशान भी हो गया। ही स्टैमर्ड, फिर उसने आगे कहा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, आखिर बात क्या है, बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम है। तो बाई अ वॉयलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। तो वॉयलेंट एफर्ट यानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से प्रयास करते हुए उसने क्या किया, अपने जो वैक्सेशन था, अपनी जो रोने की स्थिति, जो अपनी मनोदशा थी, उस पर कंट्रोल किया और कम वॉइस में यानी शांत आवाज़ में, धीमी आवाज़ में उसने रिस्पॉन्ड किया, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने जो चीक्स थे जो कि मॉइस्ट हो चुके थे यानी जो आंसुओं से गीले हो चुके थे, उनको पोंछते हुए उसने बोला, नथिंग, नहीं कोई बात नहीं है, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। तो वो उसने फाइनली कह दिया कि कोई बात नहीं है, केवल ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और एज ए रिजल्ट के मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो वो कहती है कि तुम एक काम करो कि ये जो इन्विटेशन कार्ड है वो अपने ऑफिस के ही किसी दूसरे कॉलीग्स, अपने किसी साथी को दे दो, है ना, जो कि बेटर हो, जिसकी पत्नी बेटर फिट करती हो, यानी उसके पास काफ़ी अच्छे कपड़े हों, गहने वगैरह हों, तो ये सब चीज़ें हों, वो ज़्यादा बेटर फिट करते हों इस कार्ड के लिए, यानी कि हम इस कार्ड के लिए फिट नहीं हैं। तो इस तरह से वो कहती है कि आप उसको जा कर के दे दो। तो ही वॉज ग्रीव्ड, वो काफ़ी दुखी था, परेशान था, बट आंसर्ड, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, लेट अस सी मैटिल्डा, अच्छा मैटिल्डा हम देखते हैं, हाउ मच वुड अ सस्टेन सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। तो वो उससे पूछता है कि मैटिल्डा जरा बताओ तो कि कोई सूटेबल कॉस्ट्यूम जो आपको चाहिए, जो तुम्हें जो ड्रेस चाहिए है ना, उसको कितने रुपए तक की आएगी, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, यानी कुछ ऐसी ड्रेस लेना जो कि दूसरे ओकेजन्स पे भी हम उसको यूज कर सकें, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत अच्छी, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जितनी उसकी कह सकते हैं कि वो अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से बताना। तो सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम। तो उसने कह दिया कि जब उसके पति ने ये बोला तो वो कुछ पल के लिए सोचने लगी और फिर एक सम, एक अमाउंट उसने अपने मन में सोचा, दैट सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, के और एक ऐसा सम उसने सोचा कि जिसको वो उसको कह सके, है ना, जिससे वो उसको रिफ्यूज़ल ना मिले, यानी ये सोच करके कि मतलब मैं इतना कहूँगी तो शायद ये अफोर्ड कर पाएगा, इससे ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और अपने उस इकोनॉमिकल माने जो काफ़ी कम खर्च करने वाला जो इकोनॉमिकल क्लर्क हस्बैंड था उसका, है ना, उससे एकदम आश्चर्यचकित होकर के थोड़ा सा डरते हुए उसने कहा,
यानी एक सम उसने अपने माइंड में सोचा और फाइनली सी सैड, और फिर उसने फाइनली कहा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, यानी एक हिचकिचाती हुई सी आवाज़ में उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं बता सकती कि ड्रेस कितने की आएगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंक्स आउट टू कवर इट, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि लगभग 400 फ्रेंक्स यहाँ पर क्या है, करेंसी है, जो कि फ्रांस की करेंसी होती है। ये स्टोरी भी फ्रांस से ही रिलेटेड है। तो उसने कहा कि लगभग 400 फ्रेंक्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, लगभग 400 फ्रेंक्स में ये ड्रेस मेरी आ जाएगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, और वो थोड़ा सा जब उसने सुना कि 400 फ्रेंक्स, तो उसका जो हस्बैंड था मिस्टर लॉयजल, वो थोड़े से पेल हो गए, यानी थोड़े से मानो रंग उनका उड़ गया सोच करके कि भाई 400 फ्रेंक्स इसको देने पड़ेंगे। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन समथिंग सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। और उसने क्या किया था कि इतना जो सम था 400 फ्रेंक का सम उसके पास था, लेकिन ये सम उसने, ये जो अमाउंट था उसने किस लिए बचाया था, एक गन खरीदने के लिए, जिससे कि वो आने वाली जो समर के जो डेज थे उनमें वो हंटिंग पार्टी के लिए यानी शिकार के लिए वो जा सके, और जो लोग जाएंगे उसके साथ के उनको वो ज्वाइन कर सके। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट्स लार्क्स ऑन संडे, जो कि उसके फ्रेंड्स थे, उसके कुछ मित्र थे जो कि संडे को, रविवार के दिन लार्क्स में शूट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए गए थे। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने उत्तर दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रेंक्स, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रेंक दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रैटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि एक सुंदर सी ड्रेस तुम इसमें खरीद लो, और किस तरह की, जिससे वो आगे भी यूज कर सकें। तो ऊपर जो क्वेश्चंस दिए थे इतने पार्ट में से उनके आंसर्स आप ढूंढ सकते हैं। और अब ये नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लॉयजल, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, ये आगे प्रॉब्लम हमें दिखाने मिलने वाली है कि और कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी हुई उनके सामने। तो क्या हुआ, देखिए, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, धीरे धीरे क्या हुआ, जो बॉल डांस पार्टी थी उसका जो दिन था, वो बॉल क्या होता है, एक प्रकार का डांस होता है, तो बॉल डांस पार्टी का जो दिन था वो धीरे धीरे पास आता गया, एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड, और जो मैम लॉयजल थी वो और भी दुखी दिखने लगी, यानी पैसे मतलब कपड़े आ गए, ड्रेस आ गई अच्छी, लेकिन वो दुखी अब भी नहीं दिखने लगी, डिस्टर्ब थी काफ़ी, एंड एनेक्स माने चिंतित भी थी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी जो ड्रेसेस थी, यानी उसकी जो ड्रेस थी जिसको वो पहनने वाली थी, है ना, वो लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने, मिस्टर लॉयजल ने एक शाम को उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, अब क्या बात है तुम्हें, तुम पिछले 2-3 दिन से काफ़ी स्ट्रेंजली तरीके से एक्ट कर रही हो, यानी तुम्हारी जो ड्रेस थी वो तो तैयार होने ही वाली होगी, और अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, अब क्यों बड़ी ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। एंड सी रेस्पॉन्डेड, और फिर उसने रेस्पॉन्ड दिया यानी उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, यानी मैं काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेल नहीं है, यानी किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, और अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, अडोन का मतलब डेकोरेट करने के लिए, अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, यानी अच्छा दिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई सेल हैव अ सच अ पुअर स्ट्राइक इन लुक, और चलो मैं अच्छी ड्रेस पहन भी लूँगी, लेकिन जब मेरे पास अपने आप को डेकोरेट करने के लिए किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं है तो कैसा लुक लगेगा मेरा, पॉवर्टी स्ट्राइक इन, बिल्कुल गरीबों जैसा। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और ऐसा दिखने के बजाय पार्टी में जाकर गरीब सी दिखने के बजाय मैं तो ये प्रीफर करूँगी, ज़्यादा पसंद करूँगी कि मैं इस पार्टी में जाऊँ ही नहीं। ही रिप्लाइड, तो उसके हस्बैंड ने उत्तर दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर, यानी उसने एक सजेशन दिया उसे कि अरे तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स को वेयर कर सकती हो, जो नेचुरल फ्लावर होते हैं उनसे जो हम ज्वेलरी टाइप में बना सकते हैं उनको, तुम जैसे बालों में हम फूल लगा देते हैं इस तरह की, मतलब और भी वो बोला कि नेचुरल फ्लावर्स को यूज कर सकती हो, उनको वेयर कर सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीज़न में जो चल रहा है उसमें ये जो नेचुरल फ्लावर्स होंगे वो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं, या बहुत सुंदर लगेंगे।
शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो अपने इस पति की इस बात से कन्विंस्ड नहीं हुई और वो बोली नो, सी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, यानी उस पार्टी में जहाँ पर बहुत सारी रिच वुमेन आने वाली हैं, बहुत सारी अमीर महिलाएं आएंगी, वहाँ पर इस तरह के मतलब शैबी एयर में, यानी शैबी लुक में, यानी जो मेरा बौद्धा लुक होगा बहुत ही बुरा है ना, कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा वो, है ना। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, यानी इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा अपमानजनक और कुछ नहीं होगा कि सब वहाँ पर बड़ी बड़ी महिलाएँ आएंगी, रिच महिलाएँ आएंगी और मैं वहाँ पर इतनी भद्दी यूनिफॉर्म में होंगे, जहाँ पर मतलब यूनिफॉर्म तो अच्छी होगी पर मैं, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं होगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका जो पति था वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। तो वो कहती है, अरे वो उसका पति जो था वो एक सजेशन देता है उसको कि हम तो बड़े मूर्ख हैं, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, तुम एक काम करो ना, तुम्हारी एक फ्रेंड है मैम फॉरेस्टियर, तुम अपनी उस फ्रेंड के पास चली जाओ और आस्क हर, उनसे कहो कि वो लैंड यू हर ज्वेल्स, कि वो अपनी कुछ ज्वेल्स हैं वो तुम्हें पहनने के लिए दे देंगी, यानी वो तो उनके पास तो काफ़ी ज्वेल्स होते हैं, काफ़ी रिच हैं और वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगी। तो सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और इतना सुन करके वो बड़े जोर से चीख, खुशी से चीखने लगी, इट इज़ ट्रू सी सेड, और उसने कहा अरे ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे सी लुक टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और अगले ही दिन क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड्स के घर में, जो उसकी फ्रेंड थी उसके घर में चली गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी इस डिस्ट्रेस की, इस परेशानी की जो स्टोरी थी पूरी वो उसने अपनी फ्रेंड को बताई। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, और जब उन्होंने, मैम फॉरेस्टियर ने उसकी जो कहानी थी वो उसको सुना, तो वो अपनी अलमारी के पास गई, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और उन्होंने एक बड़ा सा जो ज्वेल केस था जिसमें ज्वेलरी रखते हैं उसको निकाला, ब्रॉट इट, और उसको वो वहाँ पर लेकर आई अपनी फ्रेंड के पास में, ओपेंड इट, उसको खोला एंड सेड, और कहा चूज़ माई डियर, तो उन्होंने कहा माई डियर इसमें से कोई सी भी चूज़ कर लो, जो तुम्हें पसंद हो वही ले जाओ, क्योंकि वो मैम फॉरेस्टियर काफ़ी रिच थी, उनके पास बहुत सी ज्वेलरी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है डियर इसमें से जो आपको मर्जी लगे, जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो। तो सी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, तो पहले तो मैम लॉइजल ने पहले तो कुछ ब्रेसलेट्स देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उन्होंने मोतियों का बना हुआ एक कॉलर जो गले में पहनते हैं वो देखा, देन अ वैनिटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और फिर उन्होंने जो वैनिटियन क्रॉस, जो गले में क्रॉस पहना जाता है ना, हमने देखा होगा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं क्रॉस पहनते हैं, तो गोल्ड का बना हुआ उन्होंने एक वैनिटियन, जो वैनिटियन था उस तरह का गोल्ड देखा, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनाए हुए, एडमायरेबल मतलब जिनकी प्रशंसा की जा सके, ऐसे बहुत सारे ज्वेल्स उसने देखे उस बॉक्स में। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और उसने क्या किया, ग्लास के सामने जा कर के, यानी वहीं पर जो एक मिरर था, शीशा लगा हुआ था, तो उसके सामने जाके उनको ट्राई करके देखा, यानी पहन करके देखा किस किस को वो पहन करके ज़्यादा सूट करती है, हेजिटेटेड, काफ़ी वो हेजिटेटेड थी, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो किसको ले और किसको छोड़े। देन सी आस्क्ड, फिर उसने कहा कि हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास कुछ और नहीं है, तो वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, तो वो कहती है, उसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों, हाँ मेरे पास हैं, लुक फॉर योर सेल्फ, जरा अपने लिए देख लो, और मुझे तो नहीं पता कि कौन सी चीज़ तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगी, किस चीज़ से तुम अपने आप को ज़्यादा खुश महसूस करोगी। तो सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक उसने देखा, इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, यानी एक काले से सेटिन बॉक्स में, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, उसने देखा कि डायमंड का एक सुपर नेकलेस उसमें रखा हुआ था, बहुत अच्छा हीरों का हार रखा हुआ था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी लुक इट आउट, और जब वो उसको देख रही थी तो उसके जो हाथ थे वो काफ़ी ट्रेम्बल कर रहे थे, यानी काफ़ी कांप रहे थे कि मतलब इतना हीरों का बना हुआ इतना बड़ा हार वो उसको लेगी, तो वो काफ़ी
ट्रेम्बल कर रहे थे उसके हाथ, यानी उनको टच नहीं कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस, और उसने क्या किया, उसको अपने मन में ही सोचा अपनी ड्रेस के साथ में अपने गले में उसको, कि मानो मैंने गले में पहन लिया हो। एंड वॉज एक्सटैक्टिक, और काफ़ी खुश महसूस किया, उसने सोचा कि मेरी ड्रेस पर ये जो हार है वो बड़ा ही सुंदर लगेगा। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने एक हेजिटेटिंग वॉइस में यानी एक हिचकिचाते हुए एक आवाज़ में कहा कि फुल ऑफ एनग्जाइटी, यानी पूरी तरह से चिंता में, कुड यू लैंड मी दिस, और बड़ी चिंतित होकर के बोली क्या तुम मुझे इसे दे दोगी, ओनली दिस, केवल यही वाला दे दो। वाई, यस सर्टेनली, तो जो मैम फॉरेस्टी हैं उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम आसानी से ले जाओ इसे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाता हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।